24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिन है। इस दिन के अवसर पर कई संगठनों ने मिलकर मुंबई का बदलता तापमान में जन सुनवाई की है। तो आइए हम जानते हैं कि कार्यक्रम क्या है। On behalf of the Civil Society Coalition on Climate Justice and Equitable Development, I welcome you all to this public hearing. The active part of civil society coming here for this public hearing on environment and on global warming. इतनी humidity जितनी हुआ करती थी मुंबई में अब नहीं रहती है, तापमान भी अब काफी ज्यादा है, तो इसका असर उनके जो है जीवनी पे क्या पड़ रहा है और वो किस तरह से जूझ रहे हैं, जबकि मिनिस्ट्रीज में बैठ के जो नीति बनाने वाले हैं वो नीतियाँ कुछ बना रहे हैं, पर उनको क्या एहसास है कि गरीब लोगों पर क्या बीत रही है, तो ये जन सुनवाई के द्वारा हम लोग ये उनको बताना चाहते हैं। We have deliberately named it Me Mumbai Bolte because this Me Mumbaikar has begun to represent some other kind of Mumbai and there is another Bombay which is at the margins and we wanted the people from these margins to be brought forward. Deepa Bhaikar kya Mumbai tumhe chahe Trimukti Sangathane cha vatine tya kaam karta hai ani parisar bhagini vikas sangh manun ja ahe amchi bai ki kachra kacha le nikte tila pahiji te veste ani upajivaka chalavnyasathi ti kaam karit asle paile kacha kiti tari kharcha vasto amche mule ami ओल्या कचऱ्याचा खत करतो, सुका कचरा वेगळा करून विकायला विकतो आणि आम्ही कचरा विकतो त्याच्यावर मोठ्या मोठ्या फॅक्टऱ्या सुद्धा चालतात। और सरकारने 26 जुलाई 2005 के बाद आपके लिए कुछ किया है? नहीं, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया है। आपने मांगा? मांगने वाला कौन, कौन देने वाला कौन है? मेरे उधर से आवाज करने वाला कौन? अच्छा, मांगने के लिए आपके साथ संगठना नहीं? नहीं, देने के लिए सरकार के पास जाने के लिए मांगे बिना नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं ना, मांगे बिना भी नहीं मिलेगा। क्या मांगोगे? मानना है तो रहने के लिए छत। हमारे में से काफी लोग तो बेघर नहीं है, तो हमें समझता भी नहीं। हम तो चाहते कि भाई आप देहात में गए, अच्छा घर जहाँ है आपका वहाँ रहिए जाके। इतना त्रास क्यों सहन कर रहे हैं बम्बई में, ऐसा भी लगता था उनको? नहीं नहीं, वहाँ पे क्या गरीबी है ना। हाँ, गरीबी है तो इसके लिए सब शहर में, जैसा अलग अलग शहर है तो सब शहर में आते हैं कमाने के लिए। झोपट्टी में क्या है, 2000 से 3000 उसका भाड़ा है। आदमी कमाता है कितना? 2000-3000 तो पेट चलाएगा या भाड़ा देगा? And because of such unfavorable climatic changes, unfavorable rainfall patterns, people have lost their crops. कोणत्याही प्रदूषण वाढवणारा रसायन मात्र कटाई कामगार आपला व्यवसाय करीत असताना त्याला लागत नाही। विकासाच्या नावाने समुद्र खाड्या खाजण जमिनीवर होणाऱ्या हस्तक्षेपामुळे मच्छीमार समाज गंभीर परिणामांचा सामना करीत आहे। आदिवासी बांधव राहतात आणि ते उन्या गोविंदाने लोकांच्या शेतात मजुरी करून वगैरे राहत होती, परंतु शेतीच आता हळूहळू नष्ट होत चालल्यामुळे या लोकांना वसईच्या पूर्वपट्टीत फॅक्टरीत जाऊन 80 रुपए से 70 रुपए 12-13 तास काम करावे लागत आहे। आणि जो इस साल जो बारिश की कमी की वजह से पानी का कटौती इतना हो गया है कि जो पहले मिल रहा था हमको अभी वो भी नहीं मिल रहा है। 20 लीटर पानी हमें 5 रुपए में खरीदनी पड़ती है। हमारे पास गाड़ियां नहीं है, हमारे पास प्लास्टिक का घर है और लकड़े का घर है, उस घर में हम पोल्यूशन कर सकते हैं, तो नाला बंद करके कौन बिल्डिंग बांधता है, भरने डाल के कौन करता है सब कुछ? समंदर के किनारे बड़े बड़े टावरे खड़े किए हैं, वो भरने करके किसने किया? हमने किया है। और पर्यावरण का बदलाव तो इतना हो चुका है कि इसका कारण सरकार और ये बड़ी बड़ी टावरे, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये हम मानते हैं। 10-20 सालों से मैं मौसम में आज बहुत कुछ बदलाव महसूस मुंबई में कर रहा हूँ। 150 से 100 लोग एक बस में चलते हैं, लेकिन यही पैसे वाले लोग एक एसी गाड़ी में अकेला आदमी रोड पर चल रहा है, तो हम ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं क्या? वो मुंबई के किसी भी एरिया में जाओ, बाहर बैठेंगे तो दम घुटने पर लगता है, घर में जाकर पंखा चालू करके पंखे के सामने बैठना पड़ता है, तो उस हवा में भी नमी नहीं होती, वो भी गर्माहट जैसी हवा होती है। आज मुंबई के सड़कों पर देखा जाए तो एक लोटा पानी अगर उस किनारे पर डालो तो वो इस किनारे से कॉन्क्रीटीकरण गटर से डायरेक्ट समंदर को जाता है। आणि समुद्राची लेवल ही नरीमन पॉइंट इन कोलाबेला जास्त आहे माहीम क्रिकपेक्षा। या 5 नद्यांचं जे भूंग आहे ते समुद्राच्या सरासरी पातळीपेक्षा 1 मीटर ते 1.75 मीटर खाली आहे, म्हणजे काहीच केलं नाही
आणि थोडं जरी पाणी सांडलं तरी पाणी आतमध्ये येऊ शकतं. Who will actually present their findings. So over to Deepa first. कि पर्यावरण सुधारण्याचा ठेका किंवा त्याच्या चर्चा फक्त वैज्ञानिक उच्चवर्गीय व वर्णीय लोकच करतात असे नाही, तर पर्यावरणाची काळजी सर्वसामान्य कष्टकरी वर्गाला सुद्धा आहे. बेसिक नीड को पूरा करते करते हम लग्जरियस लाइफ जीने के तरफ जा रहे हैं और ये एनवायरमेंट के लिए घातक है. Scientifically, one thing is clear, ki if the total temperature rise is of 2 degrees centigrade or more, there is going to be trouble. What must a country like India do in the negotiations on global climate policy, which is going to take place in Copenhagen? How many days are left to Copenhagen? 45 days. Is there any sign of an agreement, some possible agreement? No. Apart from that, if you see BEE, which is the Bureau of Energy Efficiency under Ministry of Power, it has come up with a lot of policies which would basically make industries much more efficient. Like one of them is basically a lot of industries need to appoint energy managers or energy auditors. Oil lobby. कन्स्ट्रक्शनची लॉबी आणि कार मॅन्युफॅक्चरर्स ह्याचा अख्ख्या जगात नेक्सस आहे. त्यांनी आधी युरोप अमेरिकेत हैदोस घातला 60-50-40 साली, मग ते फार ईस्टकडे गेले, मग ते मिडल ईस्टकडे गेले आणि 90% त्यांनी भारत पकडला. आय हॅव लर्न्ड अ लॉट अँड देअरफॉर आय एम व्हेरी ग्रेटफुल ऍक्च्युअली फॉर हॅव्हिंग लर्न्ड सच अ लॉट फ्रॉम पीपल दॅट वी मेट. इट वॉज अ व्हेरी कलेक्टिव डिसेंट्रलाइज्ड एफर्ट. मी मुंबई सुनवाई की आवाज 11 नवंबर को दिल्ली तक उसके पश्चात कोपेनहेगन तक जाने वाली है. क्या आप इस कैंपेन से जुड़ना चाहते हैं? क्या आप इस मौसम के बदलाव को जानना चाहते हैं? जो सीखे कुछ आज रखे मुंबई साफ साफ, चलो मुंबई साथ साथ रखे मुंबई साथ.